कांग्रेस के आतंकियों की रहनुमाई वाली बोली पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के लोग दुश्मनी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने और बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। उनके इस वक्तव्य को सपोर्ट मिला है एलईटी से, लश्करे तैयबा, जो कि एक आतंकी संगठन है। दुख का विषय यह भी है कि सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार परवेज मुशर्रफ सत्य कह रहे थे, आज कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। आप बताइए, ये बार बार भारतवर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। कुर्बानियां होती रहे और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने हमारे देश के वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान किया है। सेना के जवानों की शौर्य, साहस और पराक्रम को उन्होंने उनका अपमान किया है। कांग्रेसियों के खून में गद्दारी है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा भारत माता का अपमान किया है। देश की जनता कभी कांग्रेस वालों को माफ नहीं करेगी। ये कांग्रेस के लोग देश दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की और बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं।